हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी मजेदार चीजें जो आपकी लाइफ को डेफिनेटली चेंज करने वाली हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको मेरे नए अपलोड मिलते रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं आजकल की लेडीज की लाइफ में। तो ये सब टिप्स जानने के लिए वीडियो को पूरा पूरा एंड तक जरूर देखें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं IMM का मतलब है आई मी माई सेल्फ। आप चाहे जितने भी वरिड हो आपके घर को लेके, आपके बच्चों को लेके, या आपके क्लाइंट्स को लेके, या ऑफिस को लेके, तो उन सब चीजों को आप 10 मिनट के लिए बाजू में रखें, ये पूरा वीडियो जरूर देखें। आपकी पर्सनालिटी, आपके आत्मविश्वास को ये वीडियो पूरी तरह से बदलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पॉजिटिव सेल्फ इमेज के बारे में। आपकी जो छवि है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उसको हम कैसे पॉजिटिवली बाहर निकालने वाले हैं। दूसरी चीज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी पर्सनालिटी, हमारी प्लीजिंग एंड अट्रैक्टिव अपीयरेंस के बारे में। तीसरी चीज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में टेकिंग केयर अबाउट योर ओन सेल्फ टू फील गुड एंड टू लुक गुड। और चौथी चीज हम बात करने वाले कि बेसिक गुड डेली रूटीन के बारे में। सो ग्रूमिंग का मतलब क्या है, ग्रूमिंग क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में? बिकॉज ब्यूटी सिर्फ आपको अट्रैक्ट करती है, बट आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो हार्ट्स को यानी दिलों पर छा जाती है। ब्यूटी जस्ट अट्रैक्ट्स बट पर्सनालिटी कैप्चर्स योर हार्ट। चाहे आप होम मेकर हो, चाहे आप क्लाइंट्स को विजिट कर, ग्रूमिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आपकी जो भी एज हो, एज डज नॉट मैटर, इवन योर साइज वोंट मैटर, आपको ग्रूमिंग की इन एंड आउट अगर आप विमेन हो तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। बिकॉज फीलिंग गुड इज योर राइट एंड लुकिंग गुड तो सोने पे सुहागा। क्यों हम हमेशा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्यों हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि मैं बाहर नहीं जाती हूँ, या मैं अगर कुछ काम नहीं कर रही हूँ, मुझे तो घर पे पूरा दिन रहना है, तो मैं क्यों अपने आप को सेल्फ ग्रूम करूँ, क्यों अच्छे से रहूं? तो ये बहुत ही गलत बात है। डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। आपको अंदर ही एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा होगा जब आप खुद के लिए फील गुड करोगे और लुक गुड करने की कोशिश करोगे। तो इस वीडियो में हमारा गोल क्या है, मैंने बहुत रिसर्च करके ये फाइंड आउट किया है कि हमारे लाइफ में ये थ्री सीज आर सो इम्पोर्टेंट। क्या है ये थ्री सीज है? टू बी कंफर्टेबल, टू बी कॉन्फिडेंट एंड टू फील वेरी वेरी क्लासी। जैसे ही आप ये तीन चीजें आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगोगे तो आपको एक नया आत्मविश्वास जागेगा और एक जोश जागेगा इस बॉडी को कैसे आप सेल्फ इमेज, एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने रख सकते हो। नंबर वन है ग्रूमिंग योर सेल्फ, वेक अप फॉर मेकअप, जिसका मतलब है आप घर में भी हो तो आपको विदाउट मेकअप नहीं रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगाना है या कंसीलर लगाना है। हम सिर्फ बेसिक डेली मेकअप के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि होता है बस एक काजल, एक सिंपल सा कॉम्पैक्ट जो आपकी स्किन टाइप को सूट करता हो डेली वेयर के लिए, एक सनस्क्रीन और एक लिप बाम जो टिंटेड बेस में हो, जो आपको अट्रैक्टिव बनाएगा। एग्जाम्पल, आप अगर आईलाइनर लगा रहे हो तो आप लिपस्टिक न्यूड कलर की लगाए, अगर आप रेड कलर की या बहुत ही ज्यादा टिंटेड वैसलीन या लिप बाम लगा रहे हो तो आईज थोड़ी हल्की रखें, यानी सिर्फ आप एक काजल लगा सकते हो। और पाउडर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आप मॉइस्चराइजर से भी बहुत अच्छे और ब्यूटीफुल घर में लगोगे। मॉइस्चराइजर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी डेली रूटीन में। बिलीव मी, द पावर ऑफ मेकअप इज नॉट टू इम्प्रेस एनीवन, इट इज टू फील गुड योर ओन सेल्फ। टुडे आई एम पुटिंग मेकअप बिकॉज आई एम फीलिंग गुड एंड इट्स ऑल बिकॉज फॉर मी। तो ऐसे ही दिमाग में रखना कि मुझे अगर कुछ करना है, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करनी है, तो ये सब मेरे लिए है, मुझे लोगों को नहीं दिखाना है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी प्रेजेंटेबल, आई वॉन्ट टू फील हैप्पी अबाउट इट एंड दैट्स वाई आई एम केयरिंग फॉर माई बॉडी। हम चलते हैं बालों के बारे में। हम बालों के बारे में बात करते हैं तो एक मोनोटोनियस हेयर स्टाइल ना रखें, चेंज करते रहे आपकी हेयर स्टाइल को। कभी आप इस तरह से पार्टीशन कर सकते हैं, कभी राइट टू लेफ्ट पार्टीशन कर सकते हैं, कभी हाई पोनी कर सकते हैं, कभी क्रंच से आपका बन बना सकते हैं, बाल खुले भी रख सकते हो। तो हमेशा 15-15 दिन में आप
बालों को चेंज करते रहिए। इससे होता क्या है कि आपको देखने वाले हमेशा कहेंगे, अरे वाह आप में तो कुछ अलग लग रहा है, आज क्या बाल कटवाए या कुछ। बट बिलीव मी, यू आर नॉट कटिंग योर हेयर, यू आर जस्ट चेंजिंग योर हेयर स्टाइल, जिससे आपके अपीयरेंस में काफी नयापन लगता है और आपको भी अच्छा लगता है। आप बालों में सीरम्स लगाएं जो फ्रिज कंट्रोल करता है, हेना यूज कर सकते हो, जिसके साथ आप भृंगराज, शिकाकाय, रीठा जैसे बहुत ही आयुर्वेदिक और अच्छे पाउडर्स आप उसमें मिलाकर कर्ड और लेमन और कॉफी के साथ बालों को अगर लगाएंगे तो उसकी कंडीशनिंग भी अच्छी होगी और आपके सफेद बाल भी नेचुरली ग्रे होने लगेंगे। डो नॉट मेस टू मच विथ योर हेयर बिकॉज बाय द टाइम यू आर 40 यू वुड लुक 85। तो कंट्रोल करें आपके बालों के साथ, कम मेस करें। नेल्स हमेशा क्लीन रखें, छोटे या बड़े आपकी चॉइस है। आप घर में नेल पॉलिश लगाना चाहते हो तो न्यूड शेड्स की अप्लाई करें, बिकॉज जाते वक्त निकलने लगती हैं तो वो बहुत ही खराब लगती है और हमारे पास टाइम नहीं होता उतना उसको निकालने के लिए। अगर हम डार्क या मरून शेड्स लगाए तो इससे बेटर है आप न्यूड शेड्स, लाइट पिंक, लाइट न्यूड, पीचेस, ऐसे शेड्स लगाए जो अगर जाते भी हैं तो खराब नहीं लगते। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है नेल पॉलिश लगा के वो सुखाने में तो आप आर्टिफिशियल नेल्स का भी यूज कर सकते हैं। स्किन केयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो CTM है, क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर, जो आप सबको पता है बट हम कोई भी उसका यूज नहीं करते, हम बहुत आलसी हो गए हैं शायद। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जागो और CTM डेफिनेटली करो। CTM मतलब क्लेंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर, कोई अच्छे ब्रांड का आप सिलेक्ट कर सकते हो और आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली, अगर आपकी एक्ने प्रोन है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट सिलेक्ट करके आप उसको आपकी डेली रूटीन में यूज करें। आप सनस्क्रीन का भी डेली यूज करें बिकॉज सनस्क्रीन से आप लैपटॉप्स के सामने, मोबाइल्स के सामने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो इससे आपकी जो रेडिएशंस होते हैं लैपटॉप से या मोबाइल से जो आपकी स्किन को डैमेज करता है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथ आप यूज कर सकते हो एलोवेरा जेल, क्यूकम्बर जूस, पोटेटो जूस, टमाटो एंड शुगर का स्क्रब, जिससे आप आपकी स्किन को नेचुरली भी हाइड्रेट रख सकते हो, मॉइस्चराइज रख सकते हो। इसको एनहांस करने के लिए डू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड ईट फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स, जिससे आपकी बॉडी काफी हाइड्रेटेड लगेगी। जीन एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है अपनी बॉडी का। अगर आप अंदर से फील गुड कर रहे हो, अगर आप अंदर से क्लीन हो तो आप बाहर से क्लीन महसूस करते हो और वही आपके चेहरे पे वो कंफर्ट दिखता है। आपके जो बॉडी पार्ट्स है उसको हमेशा क्लीन एंड ड्राई रखें, नाइस एंड नेचुरल सटल फ्रेग्रेंसेस जो सबको भी प्लीजिंग लगे। स्किन पे या आपके फील गुड फैक्टर में हॉर्मोन्स का भी बहुत ही मेजर रोल होता है। अगर आप डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो या बहुत ही इमोशनल स्टेट से गुजर रहे हो तो आपको थोड़ा मेडिटेशन, योगा या कुछ चीजें ऐसी पॉजिटिव आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है जहां से आपको एक फील गुड फैक्टर आने लगेगा और आपके चेहरे पे वो दिखाई देगा। कपड़ों की बात करते हैं तो हम ऐसे कपड़े चूज करें जो बहुत ही क्लासी हो, कंफर्टेबल हो और कॉन्फिडेंट आप उसमें लगो। बहुत ही ज्यादा टाइट ना पहने या बहुत ही ज्यादा लूज ना पहने। अगर आप ऊपर टॉप कुछ लूज पहन रहे हो तो नीचे से आप फिटेड स्कर्ट या फिटेड जीन्स पहन सकते हो। अगर आप नीचे प्लाजोज या लॉन्ग स्कर्ट्स पहन रहे हो तो ऊपर टाइट स्पगेटीज या टॉप्स पहन सकते हो। अगर आप साड़ी पहन रहे हो जो बहुत ही ज्यादा एलिगेंट है तो उसके साथ एक्सेसरीज बहुत ज्यादा ओवरडू ना करें, एक सिंपल एक्सेसरी रखें जिससे आपका लुक बहुत ही क्लासी लगे। आउटफिट्स में मोनोक्रोम्स भी पहन सकते हो। मोनोक्रोम्स में आप, मोनोक्रोम्स का मतलब है जो आप आउटफिट पहन रहे हो वो ऊपर से नीचे तक एक ही कलर का होता है, जैसे फुल ब्लैक हो गया, फुल पीच हो गया, वो भी बहुत क्लासी लगता है। रिंग्स और नेकलेसेस आप स्टेटमेंट अगर ट्राई करोगे तो आप जैसे मैंने यहाँ पे आज पहना हुआ है, एक ही नेकलेस पहना है बट मैंने इयररिंग्स नहीं पहनी है या रिंग्स भी ज्यादा नहीं पहनी है, तो आप एक ही चीज को एट अ टाइम हाईलाइट करें अगर आप स्टेटमेंट पहन रहे हो। अगर आप सिंपल गोल्ड चेन भी पहन रहे हो तो आप एक सिंपल सा स्टड भी पहन सकते हो जो आपको कैजुअली या फॉर्मली भी बहुत अच्छा सूट करता है। स्माइल करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी पॉजिटिव सेल्फ इमेज को कैरी करने के लिए। अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हो, शायद मुझे एक पेन चाहिए या पेपर चाहिए, तो आप कैसे मांगोगे? मुझे एक पेन देना, doesn't look good, right? But इसी को आप इस तरह से कहोगे,
मुझे प्लीज एक पेन देना, तो इट डज मैटर. तो स्माइल ऑफन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू एंड यू डोंट वांट टू शो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. सो प्लीज स्माइल एवरी टाइम. इट रिलैक्सेस योर जॉ मसल्स एंड गिव्स यू अ नाइस कर्व, गिव्स यू अ नाइस जॉ लाइन एज वेल एंड कीप्स यू अनइंटेंशनली वेरी वेरी हैप्पी ऑल द टाइम. पोस्चर के बारे में जब भी हम बात करते हैं किसी से तो आपकी बैक इरेक्ट रहे, आप स्ट्रेट बैठे और ज्यादा ऐसे झुक के ना बैठे जहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होता ऐसे नजर आता है. तो हमेशा ऐसे चले, ऐसे एटीट्यूड नहीं दिखाना है, पॉजिटिव रहना है. आपको किसी को नीचा नहीं दिखाना है. कुछ आपकी बैक या आने का तरीका होता है वो ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको देखे तो रिस्पेक्ट करें, आपकी सेल्फ इमेज आप लोगों को इंस्पायर करें. तो इसीलिए आप मतलब है हमेशा सिट स्ट्रेट, वॉक टॉल एंड स्मार्ट. क्या ये वीडियो आज देख रहा है कोई भी लड़की हो या औरत हो या कोई भी ये वीडियो कोई भी एज का अगर देख रहा हो तो प्लीज ये प्लेज करें कि आज मुझे ब्यूटीफुल लगना है, मुझे क्लासी लगना है, मुझे कंफर्टेबल लगना है, मुझे कॉन्फिडेंट लगना है और हमेशा मुझे मुस्कुराते रहना है, मुझे हैप्पी लगना है. बस रिमेम्बर, एंजॉय योर बॉडी, यूज इट एवरी वे यू कैन, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट और व्हाट अदर पीपल विल थिंक ऑफ इट. द ग्रेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट यू विल एवर ओन. डू नॉट रीड ब्यूटी मैगजीन्स, they will only make you feel ugly. के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे करती हूँ. चाहे आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और टिप्स आपके साथ हमेशा शेयर करूंगी ताकि आपकी लाइफ और भी ब्यूटीफुल हो और आप खुद भी हमेशा ब्यूटीफुल रहे, हैप्पी रहे और फील गुड फैक्टर हमेशा ऑन रहे.